पत्रकारिता का एकमात्र उद्देश्य सेवा होना चाहिए, ऐसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था। राजा बैठे सिंहासन पर, यह ताजो पर आसीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम, मेरा धन है स्वाधीन कलम। कविवर गोपाल सिंह नेपाली की यह पंक्तियां आज भी अभिव्यक्ति की आजादी को मजबूत करती है। विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल, उनके अनुसार अगर कोई चीज, कोई इंसान अगर छपने नहीं देना चाहता और उसे ही प्रकाशित करे, वही सही मायने में पत्रकारिता है, बाकी सब तो जनसंपर्क है। पत्रकारिता जगत के इतिहास में इन तीनों महान लोगों के विचार स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, और इन तीनों जो हस्तियां हैं, तीनों के बीच एक आम बात है, इन तीनों का संबंध यहां की मिट्टी से है, चंपारण से है। आज के इस दौर में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जनता की आवाज बनने से कई ज्यादा अपने विचारों को प्रसारित करने में लगा है। ऐसे में जो असल मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, मगर अब नहीं। चंपारण में चंपारण वालों के लिए चंपारण की इसी मिट्टी से लेकर आ रहा हूं मैं पत्रकारिता की परिभाषा। नमस्ते चंपारण।